सो गाइस आज आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं हम लीजन ओएस। जी हाँ दोस्तों, लीजन ओएस काफ़ी टाइम बाद मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा यार पहले से बदल चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। इसकी सेटिंग्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और अपने पोको X3 प्रो के अंदर आज मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। काफ़ी सारे डिवाइस के लिए और भी आता है, तो जिनके डिवाइस के लिए भी आता है मैं सभी के लिए यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और क्या कुछ फंक्शनलिटी है वो तो आप देख ही सकते हो। बाकी डिवाइस स्पेसिफिक भी यहाँ पर वीडियो है पोको X3 प्रो वालों के लिए। यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, ये Geekbench टेस्ट और काफ़ी सारे टेस्ट मैंने यहाँ पर किए हुए थे, उसकी भी यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो फटाफट से चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कुछ फीचर्स आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं और मुझे कैसा लगा यार पर्सनली ये OS। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी वो है दोस्तों इसकी स्मूथनेस। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। GApps बिल्ड और वेनिला बिल्ड दोनों ही देखने को मिलते हैं, बट पोको X3 प्रो वालों के लिए यहाँ पर सिर्फ GApps बिल्ड ही दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो है गूगल ऐप्स वाला ही बिल्ड दिया गया है। बट इवन गूगल बिल्ड GApps वाला बिल्ड होने के बावजूद भी आपको बहुत कम GApps यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब जो भी ऐप्स हैं वो GApps से रिलेटेड ही हैं या फिर जो इनकी अपनी गैलरी वगैरह आती है, जैसे कि एक इनकी अपनी जो गैलरी है यहाँ पर इनको देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इनका एक और अपना ऐप देखने को मिलता है जो कि है एलपेपर, जिसके अंदर इनके जो क्या कहते हैं आप ऑनलाइन इनके जितने भी वॉलपेपर्स होंगे वो सारे सेव रहते हैं इधर। तो काफ़ी सारे वॉलपेपर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इनकी कलेक्शन, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसकी मैं लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने चैनल में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो जहाँ पर मैंने इसकी गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी मेरे को कैसी लगी बैटरी लाइफ वगैरह। तो अभी बैटरी लाइफ के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जितना भी मैंने इसको यूज़ किया है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मेंटेन करता हुआ नज़र आया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 100 to 83% यहाँ पर 44 मिनट यूज़ किया स्क्रीन ऑन टाइम। तो अभी यहाँ पर करीब करीब 17% का जो है यहाँ पर बैटरी ड्रेन देखने को मिला है हमको। तो आगे आने वाले टाइम पे मैं अपडेट कर दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता ही रहता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं सेटिंग के अंदर चलते हैं, और सेटिंग के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे इसका लुक तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, जहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। साथ ही में नीचे की तरफ आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पता चलता है कि ये इन्फोर्सिंग बिल्ड है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में यहाँ पर आप जो इसके बाकी चीज़ें भी चेकआउट कर सकते हो, लाइक हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन और फ्रेमवेयर के बारे में। और भाई मेरे को परेशान कर दिया बंदे ने बोल बोल के एक, कि आप फ्रेमवेयर क्यों बोलते हो, ये फायरमवेयर है जो भी है, ठीक है तो इसको फायरमवेयर बोला करो। तो ठीक है भाई, हाँ इसको फायरमवेयर बोलेंगे, मुझे आदत है तो बोल नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लीजन OS 3.11 बिल्कुल लेटेस्ट है, सारे डिवाइसेस के लिए ऑलमोस्ट आ चुका है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में एंड्रॉयड 11 बेस्ड है और यहाँ पर आपको 5 जुलाई के जो सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में जो शिप किया जाता है वो यहाँ पर इथीरियस कर्नल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अगर हम पोको X3 प्रो वाले यूज़र्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो क्या कुछ सेटिंग्स इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। जो एक बग मुझे यहाँ पर पोको X3 प्रो के अंदर फेस हुआ है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर बैटरी के अंदर जाते हैं और एकदम से इसके ऊपर टच करते हैं तो ये क्रैश कर जाता है कई बारी, ठीक है। जैसे कि अभी नहीं किया बट मैं ट्राई करता हूँ इसको क्रैश करने की, तो अभी भी नहीं किया बट कई बारी करता है यार, आई डोंट नो कैसे करता है वो। ये देखो खो गया, क्रैश हुआ ना क्रैश। सो ये मैंने एक बग नोटिस किया है जो कि एकदम से होता है कभी कभी। ये देखो अभी फिर से हुआ, तो ये होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसे जाएंगे बैटरी में तो आई गेस नहीं होता है वो। जैसे कि आपने देखा कि अब नहीं हुआ वो, तो ऐसे कोई बहुत ही मेजर बग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से क्रैश हो जाती है पूरी की पूरी सेटिंग। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर आप आ जाते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर वोल्टी वगैरह काम कर रहा है तो उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्विक सेटिंग की तरफ, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस बार, मतलब ये मेरे को ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगा इसका, काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक है। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस बार यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है ऊपर की तरफ, और फिर इसकी सारी सेटिंग्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद थीमिंग का भी एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पर आप थीम्स UI बोला है इन्होंने, जहाँ पर आप बेस थीम को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्विच जो है किस तरीके का आपको चाहिए, यहाँ पर फॉन्ट बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे हैं यार,
आइकन्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लॉक स्क्रीन भी देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन एक्चुअली, ठीक है। देखिए यहाँ पर हल्का सा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कर सकते हैं, है ना। इसी के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, चार्जिंग एनिमेशंस और बहुत सारी चीज़ें, फिंगरप्रिंट का जो ऑन ऑफ स्क्रीन ऑफ करना है, या फिर ये भी एक ऑप्शन है इसके अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर भी आप लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, और ये देखिए यहाँ पर जो भी। इसके बाद यहाँ पर जेस्टर्स के अंदर चलते हैं हम लोग। जेस्टर्स के अंदर भी यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, टाइप टू स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन, लाइक इस तरीके से। सो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू वेकअप भी यहाँ पर काम करना चाहिए गाइस। डबल टैप टू वेकअप यहाँ पर आई गेस बग है या पता नहीं, यहाँ तो अभी काम नहीं कर रहा है, बट आई डोंट नो, ये देख लेना एक चीज़। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर वॉल्यूम पैनल वगैरह हो गया, बटन वगैरह, पावर ऑन ऑफ बटन, और यहाँ पर और भी बहुत सारी एनिमेशन सेटिंग्स वगैरह देखने को आपको मिल जाती है, काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। इसके अलावा अगर आप और भी जाएंगे डिटेल्स में, तो आपको गेमिंग सेटिंग वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। नहीं, इसके अंदर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आपको गेमिंग सेटिंग्स नहीं देखने को मिलती है, मैं भूल गया था। सो आई होप आपको काफ़ी इंजॉयबल लग रहा होगा वीडियो। अगर अभी तक भी आप वीडियो के अंदर बने हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक भी नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं इसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बैटरी के अंदर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी थर्मल्स का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, तो थर्मल्स का ऑप्शन इन्होंने शिफ्ट करके यहाँ पर सिस्टम के अंदर दिया हुआ है। सिस्टम के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी थर्मल प्रोफाइल्स वाले ऑप्शन देखने को मिल गए। इथेरियस कैनल 3.0 पता नहीं क्यों इन्होंने अभी कंसीडर नहीं किया, 3.0 ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पर थे इस डिवाइस के साथ में ये फीचर। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके डिवाइस स्पेसिफिक जो फीचर्स यहाँ पर मुझे देखने को मिले हैं पोको X3 Pro के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसके साथ जो है जी कैम आ रहा है, पहला बिल्ड देखा है मैंने जो जी कैम के साथ में आ रहा है, इससे पहले गो कैमरा वगैरह यूज़ किए जा रहे थे, जहाँ पर आपको स्लो मोशन जैसे चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है टाइमलेस पैनोरामा वगैरह, वीडियो मोड भी है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छे से आएगा, काम कर रही है सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और वीडियो हो गया यहाँ पर, कैमरा हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, और यहाँ पर नाइट साइड भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो नाइट साइड भी जो है यहाँ पर आपको आई गेस एस्ट्रोग्राफी के साथ मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। सो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर। आई होप आप इन्जॉय कर रहे हो वीडियो को। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं स्क्रीनशॉट की। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर CPU थ्रॉटल टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर थ्रॉटलिंग मेंटेन की हुई है, 94% यहाँ पर मैक्स परफॉर्मेंस से थ्रॉटल हुआ CPU, मतलब 6% का आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है यार, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर 15 मिनट का ये CPU थ्रॉटल टेस्ट था, जहाँ पर हमने इसको पूरी तरह से परफॉर्म किया, आइडियल कंडीशन थी। और आपको पता ही है थोड़ा ठंड का मौसम हो चुका है, बारिश वारिश हो रही है, सो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस का अंदाज़ा तो लग ही गया। AC के अंदर नहीं था ये, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था, इवन फैन भी नहीं चल रहा था आई गेस। सो ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बाकी, मतलब थोड़ा सा एक ड्रॉप नीचे देखने को मिलता है, फिर ऊपर हो जाता है CPU, तो ये चीज़ तो है। और मतलब अगर सिंगल में रहता तो काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से प्रेफरेंस, तो गेमिंग के लिए भी ना है। तो इथेरियस कर्नल की भी बात करें, मक्खी भाई साहब, मक्खी आ गई, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इथेरियस कर्नल वैसे भी बैटरी सेंट्रिक कर्नल है, कोई परफॉर्मेंस कर्नल नहीं है। भाई ये मक्खी तो बहुत परेशान कर रही है। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं सेटिंग में जा कर के, और यहाँ पर सॉरी सेटिंग में कह रहा हूँ, यहाँ पर अनटूटू स्कोर की बात कर लेते हैं, है ना। तो सेट अनटूटू स्कोर के अंदर यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि कितना है, तो 5,26,000 के आसपास का स्कोर हमको यहाँ पर अनटूटू देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो CPU और GPU और MEM और UX का स्कोर, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हो जाती है। उसके बाद गीग बेंच की बात कर लेते हैं हम, गीग बेंच भी यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक सा देखने को मिलता है, जहाँ पर सिंगल कोर 6 to 7 थोड़ा कम है, और मल्टी कोर भी यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है 2 to 6 to। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या सेंट्रिक है भी नहीं, अगर रेगुलर यूज़ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा गाइस, क्योंकि स्मूथ है मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इथेरियस कर्नल के साथ में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, और यहाँ पर डेली लाइफ यूसेज काफ़ी अच्छा होने वाला है इसका। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको जो है यहाँ पर 12.5.2 का जो फ्रेमवेयर है उसको डाउनलोड करना, पहले उसको फ्लैश करना, उसके बाद इस रोम को फ्लैश करना,
और अगर रूट करना हो तो उसके बाद रूट करना और डिवाइस को फॉर्मेट करना, दैट्स इट, आपका डिवाइस जो है चालू हो जाएगा। अगर ऐसा चालू नहीं होता है तो पहले जो है वाइप कर लेना है डेटा सिस्टम, सॉरी सिस्टम कह रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी मतलब वाइप के अंदर जाकर के आपको सारा मार्क लगा करके सब कुछ वाइप करना है एडवांस वाइप में जा करके, उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्मेट डेटा कर लेना सब कुछ फ्लैश करने के बाद। आई होप आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को हमें जरूर से लाइक कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के तरह। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, बाय बाय।